सेट फाइव है जनरल अवेयरनेस का। बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, किसी भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पार्ट है। सिलेबस के मुताबिक जो यूनिट्स हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंजाब के रिलेटेड है ये, इसलिए अगर आप पंजाब के नहीं हो तो आप अपनी स्टेट के ये ऐसे क्वेश्चन सोच सकते हो। द डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी इन पंजाब इज द न्यू नेम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, DPI पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि सेकेंडरी लिखा हुआ है दैट इज़ वाई हायर भी निकल गया, बोर्ड का नाम नहीं आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री निकल गया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये वाला राइट आंसर चूज करेंगे। एलिमिनेशन एक मेथड है जो रॉन्ग ऑप्शन है उस पर आप फोकस करके डिलीट करते जाते हो, राइट आंसर पर पहुंच जाते हो। नेक्स्ट है, हु इज द यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस फ्रॉम इंडिया? तो विश्वनाथन आनंद, हरिका, द्रोणा वली, तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी। जो चेस का नाम है, चेस और हम्पी इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि चेस का जो एच है उसको हम्पी हम्पी बोलिए, चेस जब आता है एच तो आप हम्पी हम्पी कीजिए, तो इससे याद हो सकता है। मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल भी गलत हो सकता है, जो आपको स्ट्रेटजी सूटेबल रहे। नुस्खे सभी के सुनते हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए जो अच्छा है उसको फॉलो करना है। विच स्टेडियम इज नोन एज द होम ऑफ इंडियन फुटबॉल? साल्ट लेक स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, तो कौन सा है? साल्ट लेक स्टेडियम इज राइट आंसर। अगर इस पर और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन है, ये रही आपके सामने कि बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये क्वेश्चन आ सकता है, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता कहाँ है, दूसरी इंफॉर्मेशन है ना। तो ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने बेस बनाया, साथ में रखा और उसके एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई क्वेश्चन की एक्सटेंशन जरूरी है, अदरवाइज 30 क्वेश्चन में अवेयरनेस का कुछ नहीं होता। बिगेस्ट है ना, साल्ट बिगेस्ट कोलकाता, ओके, साल्ट लेक स्टेडियम और ऑफिशियली विवेकानंदा युवा भारती किरीरंगन, ये रहा इसका शायद दूसरा नाम है भाई, ये विवेकानंदा युवा भारती किरणनंगन। अब ये तो नहीं याद होगा किरणनंगन, तो कोलकाता से के को जोड़ सकते हैं। इज़ विदाउट डाउट मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया। तो ये तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? अब ये इन्फॉर्मेशन दे के क्या किया कि ये बता दिया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्थ एडिशन कब हुआ था, तो 2022 को हुआ था, ये रहा। और डेट उसकी क्या है, डेट है नेचुरली, ये बहुत याद रखना, फरवरी याद रखना है, सभी में फरवरी है, इट मीन्स वेरिएशन नहीं है, डेट्स में है, तो जनवरी 30 है ना, ये राइट आंसर है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसकी फुल फॉर्म NSDC, इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, नंबर एक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब है नाम, ये पुराना नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनको रिजेक्ट यहाँ किया जा सकता है। अब हिंट कौन सा ढूंढना है, जैसा अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आए तो मुझे ये नेशनल स्किल है ना और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मैच कर रहा है, इसके बेस पर यस यही राइट आंसर है। ये बता रहा हूँ, कभी कभी स्टेम में हिंट दिया गया होता है, हिंट को पहचान सकते हो आप, हमेशा नहीं दिया गया होता, बहुत बार हो सकता है लेकिन पहचानना भी है। परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर UK, USSA, रशिया, चाइना। आप ऐसा कीजिए ना, जो नहीं है उसको निकाल दीजिए, ये रहा। जापान नहीं है, हाँ इनमें से फ्रांस, चाइना, UK, कनाडा नहीं है, USA, फ्रांस में शक, कनाडा नहीं है, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये इसमें ना कनाडा है ना जापान है, तो ये USA है, UK भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है,
चाइना भी है, दिस इज राइट आंसर। हिंदी वाले आप भी आगे बढ़िए। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मैनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आर्टिकल्स नहीं पूछे, अनुसूचियां पूछी हैं, है ना। 12 मोस्ट कॉमन है, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है। ये रहा, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अबव ऑफ एन अर्थक्विक कॉल्ड, जब अर्थक्विक आता है तो कुछ एक ये जो है ना कंसेप्ट है उसके साथ जुड़े हुए, तो जो है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, है ना, केंद्र के ठीक ऊपर जमीन पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, तो वो मेन सेंटर है, मेन सेंटर तो मैंने सुना नहीं है, एपी सेंटर जरूर सुना है, हाइपो सेंटर सुना है, है ना, इन दोनों में से है, ये दोनों रिजेक्ट। अब हाइपो सेंटर ये है, ओके, यहाँ नीचे हलचल मची है, और इसके एग्जैक्ट ऊपर जमीन पर जहाँ पर केंद्र कहा जाता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ज्योग्राफी में से आता है, एपी सेंटर और हाइपो सेंटर भी पूछा जाता है, दोनों कंसेप्ट इसमें से। नेक्स्ट है, हु इज कॉमनली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिसेंसी, हिंदी में आमतौर पर आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। मुझे ये बात कभी नहीं भूलती कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का, है ना, इसको रिमूव कर किया था, सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, तो ये हीरो हैं एक तरह के, जिन्होंने फीमेल के लिए, है ना, जो बुराइयां थी उनको ख़त्म किया, राजा राम मोहन राय यहाँ पर आंसर हैं। मोस्ट कॉमन है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज ट्रू, देखो भाई पिछले सेट हैं उनमें लैंग्वेज कम डिस्कस हुए थे, इसमें लैंग्वेज के डाले हुए हैं, लैंग्वेज एक यूनिट है लेकिन उसका क्वेश्चन कम है। अब स्ट्रक्चर पूछा गया है लैंग्वेज की, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ फेनोलॉजी, ये इसको पूर कर इसे कर लेते हैं, अच्छा इसको ऐसे इधर कर देते हैं, ठीक है। फिनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, है ना, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि जिसको बोलते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी साथ साथ में, ये देखिए भाषा में स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, शब्द विज्ञान है। देखिए ध्वनि जो है फोन, PHON फोन, ध्वनि जिसको आवाज़ को, छोटी से छोटी आवाज़ जो है ना, जो मीनिंगलेस है उसको जोड़ जोड़ के बनती है, तो उसके आगे आ गए वर्ड्स, है ना, फिर आ गए सेंटेंस, है ना, तो छोटी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही ये है मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स एंड सेमेंटिक्स, तो सिंटेक्स वाक्य विज्ञान और शब्दार्थ, ये शब्द अर्थ है, शब्द का अर्थ सेंटेंस का, और ये वाक्य विज्ञान सेंटेंस, इसको सेंटेक्स, है ना, सेंटेक्स को सेंटेंस बोल के देखना तो ये इजी लगेगा कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। लैंग्वेज इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, ये भी हैं लेकिन स्ट्रक्चर तो वो ज़्यादा बता रहे हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, कोई बात नहीं बनी, यहाँ ये ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर क्या क्या शामिल है उसमें। लैंग्वेज स्ट्रक्चर रिमेन्स कॉन्सोनेंट थ्रू पर्सन ऑफ लाइफ, है ना, ये तो लैंग्वेज की विशेषताएं बताई गई हैं, तो फर्स्ट ए आंसर जो है, जिन्होंने चार ध्वनि से शब्दार्थ से, ये इजी कर रहा है आपको, हिंदी में यहाँ पढ़ लीजिए, वाक्य विज्ञान से सिंटैक्स, है ना, सिमेंटिक्स और फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी रूप विज्ञान को हिंदी में ये ऐसे लिखेंगे, रूप विज्ञान, है ना, रूप विज्ञान कहते हैं इसको शायद। द बुक मिड नाइट्स चिल्ड्रन अर्नड विच इंडियन ऑथर द बुकर प्राइज, वाओ, दो तीन क्वेश्चन हैं, एक तो बुकर प्राइज 1981 में किसको मिला, तो ये पॉपुलर बुक है मिड नाइट चिल्ड्रन, है ना, तो कौन लिखेंगे, सलमान रुशेदी, ये राइट आंसर है, ये वाला नो, अरुंधति राय नहीं, अनीता देसाई नहीं, किरण देसाई नहीं, यस राइट आंसर इज सलमान रुशेदी। अब इसको एसोसिएट करना है मिडनाइट में सलमान खान, ऐसे कुछ जोड़ना है, आप जोड़ सकते हो मिडनाइट सलमान खान, ऐसे कुछ जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है
व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू वैदिक टेक्स्ट। हाँ हाँ तो ये है नदियों की धरती से कहा जाता था और पुरानी सभ्यता भी यहाँ पर, और ये भी कहते हैं कि इसे अच्छा और क्या नाम है, पेटापोटामिया, पेटापोटामिया, पंचनंदा, ब्रह्मव्रत, यस ये नाम थे। लेकिन वैदिक टेक्स्ट के मुताबिक सप्त सिंधु, सप्त मीन सेवन, सिंधु मीन शायद दरिया, सात दरियाओं की धरती शायद ये भी था। लेकिन कहते हैं एक थ्योरी ये कहती है ये नेम सप्त सिंधु जो था, जैसे लोग आते गए उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, ये हपत हिंदू बन गया, वहीं से हिंदू शब्द बना और हिंदुस्तान बन गया। ये एक थ्योरी है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। हु कंडक्ट्स द नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन इंडिया। इस पर एक वीडियो डिफरेंट बना चुका हूँ, नहीं बनाई अभी, आज सब तैयारी है इसकी। लेकिन ये ना याद रखना, जो अब सर्वे हुआ है उसमें पंजाब ने बहुत अचीवमेंट, उसकी बहुत हाई रही है। ये सर्वे है, स्कूल लेवल का सर्वे है, जो ये देखा जाता है, फीडबैक ली जाती है, सैंपल सर्वे है। सारे जैसे नाइन्थ क्लास के बच्चे तो सारे नहीं वो असेस होते हैं ना, तो इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कंडक्ट कौन करवाता है, तो नेचुरली स्कूल का काम ज़्यादा NCERT करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम ये नहीं है। इसका काम है एंट्रेंस टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, जॉब सिलेक्शन, ऐसे टेस्ट हैं। ये गड़बड़ यहाँ हो गई, सेंट्रल बोर्ड की हेल्प लेते हैं, लेकिन बेसिक एजेंसी ये नहीं है। अगर ये NCERT से CBSE की हेल्प ले सकते हैं, बेसिक कंडक्ट NCERT ही करवाती है। तो राइट आंसर यहाँ NCERT है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है किसने बनवाना है, NCERT ने ही बनाना है। R का मतलब याद रखना है रिसर्च है ना, रिसर्च करना इसका काम होगा। टेक्स्ट बुक का काम NCERT की बुक्स पढ़ लो जी, है ना, तो NCERT टेक्स्ट बुक का, करिकुलम का, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। ऐसे ही स्टेट लेवल पर SCERT है स्टेट। What is the name of education project launched by CM Bhagwant Mann in Punjab? Very important question पंजाब वालों के लिए। पंजाब में के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई शिक्षा परियोजनाओं का नाम क्या है? School of Specialized Excellence, Schools of Eminence, STEM and Robotic Lab Project, Punjab Education Revamp Initiative। तो इनमें से स्कूल हैं मेरे ख्याल में 115-117 शायद स्कूल खोले जा चुके हैं अभी तक। इस पर एक पूरा डिफरेंट जो इनके नए प्रोजेक्ट हैं, अगर कमेंट आया मैं पढ़ लिया तो इस पर बना दूंगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पंजाब के लिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्कूल ऑफ एमिनेंस इनका प्रोजेक्ट है। वेयर इज़ द पोठोहारी डायलैक्ट प्राइमरली स्पोकन, किस एरिया में? नेचुरली ये पंजाबी की भाषा की बात हो रही है, पोठोहारी बोली मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है? पंजाब, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जो डायलैक्ट्स यहाँ सुनने को मिलती है वो पोठोहारी उसमें नहीं आती, पाकिस्तान के पंजाब में, है ना। अगर पाकिस्तान का पंजाब नहीं है तो फिर आप जम्मू एंड कश्मीर के एरिए को टिक करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ दोआबी, तो इतना आसान क्वेश्चन है मैंने डाला जानबूझ के, कई बार इतने आसान आते हैं लेकिन इसमें से लॉस हो जाता है। आब, आब का मतलब है आब, आब का मतलब है रिवर, दरिया, दो दरियावां दी धरती। दो दरियावां दी धरती केड़ी है, कौन सी है? इस तरफ सतलुज है जिसका पानी इतना अभी बढ़ा हुआ है ना, फ्लड लाइक सिचुएशन बनी हुई है, फ्लड आया ही है, पानी आ गया है। और इस तरफ है ब्यास, ब्यास और सतलुज, दो आब दरियाओं के बीच की धरती, दो आब, दो आबा रीजन उसको बोला जाता है। वहीं से मैं बहु बहु कर रहा हूँ। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर, अब बोलो सौखा है ना, व्याकरण के बारे में कौन सा सही है? ऑल लैंग्वेज हैव द सेम ग्रामर, कभी नहीं, कभी नहीं, ग्रामर के रूल सभी के डिफरेंट है, ये नहीं हो सकता, है ना। सभी भाषाओं का व्याकरण समान है, नहीं। अच्छा, व्याकरण सार्थक संचार में कोई भूमिका नहीं निभाता, यार बिल्कुल गलत। व्याकरण में शब्द निर्माण और वाक्य संरचना के नियम शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। व्याकरण केवल भाषा
केवल आज्ञा शक कर लाना ही गलत होगा। भाषा सीखने वाले छोटे बच्चों के लिए प्रासंगिक है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आगे चलते हैं, भाषा के क्वेश्चन नहीं थे इसलिए इसमें डाले गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स, हिंदी में पढ़ लो आसान हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान आएगा यहाँ पर, सिंटैक्स सेंटेंस विज्ञान, वाक्य विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। ये मानव विज्ञान है ना, सारा काम खराब कर दिया जो व्यवहार, प्रैग्मेटिक्स है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी जो है कल्चरल स्टडी, कल्चर की स्टडी मानव विज्ञान उसको बोलते हैं। अच्छा शब्दकोश, व्हाट इज लेक्सिकन। अच्छा शब्दकोश है ये, देखिए इसको आसान हो जाएगा। तो द रूल्स ऑफ ग्रामर इन ए लैंग्वेज, नहीं शब्दकोश यहाँ लिखा है, इट मींस डिक्शनरी ज़्यादा है, इट मींस के वर्ड्स की बात होगी, शब्दों की बात होगी, यहाँ से हिंट ले लीजिए। द कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्ड्स आर स्पोकन, यहाँ पर इस पर शक किया जा सकता है। द सेट ऑफ ऑल वर्ड इन द लैंग्वेज, यस लिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स इन ए सब्जेक्ट और इन ए लैंग्वेज, ये होता है लेक्सिकन। द एबिलिटी ऑफ टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड, नहीं अर्थ विज्ञान होता है वो। इसको आगे चलते हैं लेके, लेक्सिकन का मीनिंग समझना है। ऑल द वर्ड एंड फ्रेजेज यूज इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट, ओके ये शब्दकोश की यहाँ पर लिखा है, ट्रांसलेशन गलत हो सकती है लेकिन हमारे लिए हिंट बन गया है। हु रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, ये वे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 23 का है। पी एस यहाँ से श्रीधरन पिल्लई दामोदर मोजो गोवा राज्य के राज्यपाल, पी एम श्रीधरन पिल्लई और दामोदरन मोजो संयुक्त रूप में, नहीं मोजो 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 मोजो, तो इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है ए दामोदर मोजो, ये रहा 23 और इसको ऐसे कर लिया मैंने, लिख बना दिया मोजो, 3 का बना लिया उल्टा करके एम के, एम से है लास्ट वर्ड उसका जो सेकंड वर्ड मेन वर्ड मोजो है ना, ये होगा। सो ये याद रख सकते हैं, अवार्ड ऐसे भी रखा जा सकता है, एक बार देखोगे क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है ना। दामोदर मोजो एंड गॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ये ऐसे पूछा जा सकता है। नॉवलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो ये गद्य में है इनका स्पेशलिस्ट है ना। कोनकानी इन कोनकानी एंड हैज़ बिन अवार्डेड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर क्या है, अवार्ड क्या है, तो वो ज्ञानपीठ है हाईएस्ट। ये और क्वेश्चन आपके लिए बन गया। 12वां क्वेश्चन है, हु इज द, 12वां नहीं है ये नंबर मिस है भी इसमें, इस पर नहीं जाना आपने। इज द ऑथर ऑफ नॉवल टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, तन भगत, मुझे इजी लगा मैंने जल्दी बोल दिया। रविंद्रा सिंह नहीं है, संदीप आगरकर नहीं है, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि चेतन भगत जी हैं, इनकी बड़ी अच्छी बुक्स हैं, बड़े क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं। चेतन भगत जी है ना, आप कैसे याद रखना है कि चेतन भगत जी की थे तो ये भगत, लेकिन मैरिज हो गई है ना, चेतन भगत जी की मैरिज हो गई, माई मैरिज ऐसे कुछ जोड़ ले। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारें है ना। तो एग्रीकल्चर वर्ड से ये इसको करिए, ये क्योंकि ये स्टेट का मामला है, स्टेट का, सेंटर का नहीं है, ये रहा तो वही इसका टैक्स ले गए। ठीक, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th नहीं है, ज़्यादा चल रहे हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास में से, शीशे में से, वैक्यूम में से, यहाँ कुछ नहीं है वह तो बहुत तेज़ जाएगी, वाटर में से, ये हो सकता है ग्लास या वाटर, एयर में से तो फास्ट होगी। मैं अपने तुक्के से ये डिलीट और ये डिलीट कर रहा हूँ, मिनिमम किस में से हो सकती है, या ग्लास में से या वाटर में से है ना। राइट आंसर इज ग्लास। नेक्स्ट है, ये रहा इधर, घातक रक्ता लपता किसकी कमी के कारण होता है,
तो ब्लड के लिए, डीएनए के लिए, न्यूरॉन्स के लिए मैंने क्या बताया था कि B12 की अगर कमी हो, ये कमी किसको पूरी करती है, किसके लिए होती है? न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना जो कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज देते हैं, मैसेज लेते हैं, और ब्लड के जो है, ब्लड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वही है, अनीमिक, अनीमिया, परिनीशियस ना, ऐसे ही पढ़ना आता है मुझे, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस, कल्ला अनीमिया नहीं, परनीशियस एनीमिया, पता नहीं कौन सा अनीमिया, तो कौन सा, B12, ये इससे होती है, बहुत कॉमन। और B12 इंडिया के एक सर्वे ने 47% लोगों में B12 की कमी पाई जाती है ना, लगभग 50%। चंडीगढ़ जैसे में D3, D और इसकी कमी 50 से ऊपर पाई जाती है। जहाँ पर जितने शहरीकरण है वहाँ इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है, गांव में कम। द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड इज, अब बताओ भाई, ये पता है? कोलकाता तो नहीं है ना, देखो दीव ये हो सकती है यार, तिरुपति, हाँ ये नहीं है, ये पोर्ट ब्लेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, ये रहा, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ, ए तो भी सभी को ये ठीक होना चाहिए। अगर आप अकबर के दरबार में जो वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, हीरे जवाहरात कुछ ऐसे, उन हीरो में से एक अकबर थे। काफ़ी कहानियाँ हमने सुनी हैं अकबर और तानसेन की, है ना। बहादुर शाह नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। ये रहा, NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री, शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए, आपके लिए न्यूनतम डिग्री, डर नहीं जाना, योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी, इंटेग्रेटेड बीएड होगी। ये कह दिया गया है कि उस वर्ष तक सिर्फ ये 2 साल वाली बीएड नहीं चलेगी, लेकिन ये गप बन गई है क्योंकि अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, अभी तक 4 वर्षीय चल ही नहीं पाई अच्छी तरह से। इस साल भी वो रोक दी गई है, कोर्ट केस लगे हुए हैं, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी को इजाज़त मिल गई है, तो ऐसा चल रहा है। 2030 तक इन्होंने कहा था कि 4 ईयर इंटेग्रेटेड कोर्स जो हैं टीचर एजुकेशन के लिए, बीएड 2 साल वाली, 1 साल वाली सारी नहीं, 4 साल वाली फिर चलेगी, है ना। ये देख के डर नहीं जाना, कुछ नहीं अभी हो रहा, कोर्ट बैठी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द आउटकम ऑफ, यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड है जो मोदी साहब ने चलाया है, ये राजीव गांधी साहब ने, है ना, इनकी एक दूसरे के थोड़े विरोधी दिखाई देते हैं, क्योंकि एजुकेशन MHRD उन्होंने किया था, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो जो राजीव गांधी जी की पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन, न्यू पॉलिसी ऑन है, ये यार एक समझ लेना, ये है N, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके इसमें भी, इसमें ई मिड में आ रही है, इसके मिड में पी आ रही है, ये बात है, डिफरेंस है इसमें, देखा, हर बात पर डिफरेंस मिलेगा आपको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों की बेसिक नीड्स जो हैं, लर्निंग मटेरियल है, ब्लैक बोर्ड है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मिनिमम 2 कमरे होने चाहिए, तब था ये, अब तो बढ़ चुका है। सर्व शिक्षा अभियान ने काफ़ी काम कर, वर्ल्ड हेल्थ जो हमने काफ़ी वो लोन लेके काम किया है, पता नहीं वापस किया कि नहीं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच हैज़ बिन एस्टेब्लिश फॉर द प्रमोटिंग द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड फॉर पर्पज ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट एज वेल एज नेशनल इंटेग्रेशन, समझ आ गई कि नहीं? उस कार्यक्रम का नाम जिससे भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो एक भारत नेक भारत, एक भारत सर्व श्रेष्ठ भारत, एक भारत प्यारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ ही है, हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब तो इसको जब एक भारत आएगा ही आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण है, एक सभी में है, तो ये फायदा नहीं दे रहा, नेक भारत ये अजीब सा लग रहा है ना कि हमने चुटकुला सा बनाना, सर्वश्रेष्ठ मतलब सब सबसे श्रेष्ठ, ऐसा भी नहीं होगा भैया, सबसे श्रेष्ठ तो नहीं होगा, प्यारा भारत भी नहीं जच रहा, श्रेष्ठ भारत यही जच रहा है, इसको ही चूज कर लेते हैं भैया,
ये ठीक रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अकॉर्डिंग टू सेंसेस, अभी तक क्यों नहीं हुई यार 21 वाली, पता नहीं। 2011 सेंसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ, अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, डिफिकल्ट है, पूछा जाता है, तो कौन, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में नहीं हो सकता, चंडीगढ़ एडवांस है यार ऊपर जाने वाला, ये नहीं हो सकता। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार दीसवर, दादरा नगर हवेली, अब इनमें से कोई होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट कम हुई है, तो पांडिचेरी नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट करें, इनमें दो में से होगा है ना, तो ये हवेली है, हवेली वाले लोग कम पढ़ते हैं कहते दिस इज़ द आंसर, दादरा एंड नगर हवेली है ना, तो हवेली वाले नहीं निकलते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसोसिएट हो जाए। दादरा एंड नगर हवेली इज ए यूनियन टेरिटरी विद इन वेस्टर्न इंडिया, इट इज़ यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट रिकॉर्डेड लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 77.24% इसकी टोटल लिटरेसी है, मेल की 85 है ज़्यादा है और फीमेल की 64.32 है। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे इतनी डिटेल में, हाँ सबसे कम सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, सेकंड सबसे कम सबसे ज़्यादा ऐसे पूछ लिया जाता है। ई ज्ञान कोश, मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा हो गए होंगे, तेज़ चल रहा हूँ ना आज। ई ज्ञान कोश क्या है, एन ऑनलाइन शॉपिंग, हाय हाय शॉपिंग, लड़कियाँ कह रही हैं सर ये क्यों कर रहे हो शॉपिंग ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है एक सर्वे के मुताबिक मेल और फीमेल में जो डिफरेंस पाए गए हैं, बाद में बताऊँगा, मेरी जेंडर स्कूल सोसाइटी की प्रीफेस में फर्स्ट लाइन ली यही लिखी है मैंने, सोल इज़ सेक्सलेस बट जब बॉडी है तो सेक्स है, तो जेंडर कैसे हैं हम, ये है ना, चलो पढ़ेंगे। ए डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एजुकेशनल रिसोर्स, यस ई ज्ञान कोश सच में, मतलब इग्नो ने जितने भी काम किए मुझे नहीं पता, लेकिन ई ज्ञान कोश आप सर्च करके देखना, बड़ा कुछ मटेरियल, बड़ा अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है, डिजिटल लाइब्रेरी, ओके आप नेट पर सर्च करो, एकदम कोई टॉपिक फिल करो और ज्ञान कोश आपको मिल जाएगा। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, एजुकेशनल रिसोर्स, सोशल मीडिया नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म ये नहीं है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि स्वयं, स्वयं प्रभा, दीक्षा, निष्ठा, इस पर क्वेश्चन आएंगे, पक्की बात है, कोई ना कोई आएगा आएगा है ना, दीक्षा पर आ गया होगा वीडियो शायद। ध्यानचंद स्टेडियम इज फेमस फॉर, ध्यानचंद ही फेमस थे हॉकी के लिए यार, सिंपल है, ये तो नहीं जाना चाहिए, हॉकी के हीरो थे वो, कहते पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे गोल लगा लेते थे, अब मुझे पता नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इग्नोज फ्लेक्सी लर्न प्लेटफॉर्म, याद रखने के लिए थोड़ा सा हिंट है, इसमें फ्लेक्सी, इग्नो के काम ही फ्लेक्सिबल है, तो इसको फ्लेक्सी नहीं फ्लेक्सिबल ही समझना, फ्लेक्सिबल क्या हो गया, लर्निंग, इट मीन्स फ्लेक्सिबल लर्निंग को प्रमोट करना है। टू प्रमोट अ सैम्पल कोर्स फॉर फ्री, ये नहीं बात बनी। टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनरोलमेंट, ये भी बात नहीं बनी। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू चूज, जो चूजिंग शब्द है, चॉइस है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है, यस। अप्रोप्रिएट कोर्स एंड प्रोग्राम, यहाँ पर कुछ एक कोर्स उनके सिलेबस ऐसे दिया गया है, आप पहले चूज करके देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एमए साइकोलॉजी करनी है तो वो कैसी रहेगी, मेरे से फिट है कि नहीं, तो एडमिशन लेने से पहले ही उसको ट्राई करके देख सकते हैं, फ्लेक्सी लर्न ऐसा प्रोग्राम है तो चूज करने में हेल्प करती है, दिस इज़ गुड, पता नहीं आप यूज़ करते हो या नहीं। नेक्स्ट इसकी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये गुड ऑप्शन है क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्ड इसमें यूज किया गया है, लेकिन चूज ये वाला राइट ऑप्शन है इसमें, ये इस पर अलग से वीडियो है पूरे, उसमें 20 क्वेश्चन लगभग होंगे, वो आप देख सकते हो। व्हाट इज द फोकस ऑफ SDG, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है यार, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, टोटल गोल इसके पूछे जा सकते हैं, कितने हैं, 17 गोल हैं, फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है, फोर्थ इसका है, अब नहीं बताऊंगा, मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि 17 के 17 कैसे याद रख सकते हैं ना, तो फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन का है, ये फोर है ना, क्योंकि एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन, वही कुछ कर रहे हो ना, तो एरेडिकेशन पॉवर्टी ये नहीं है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज सी इज राइट आंसर, मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा हो गए होंगे, बस बस करें,
क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, मिल्क तो व्हाइट होता है, एग जो येलो तो और व्हाइट होता है, फिश ऑयल सीड है ना, फिश जो होती है समंदर में होती है, समंदर जो होता है नीला होता है, ओए नीले से लिखो है बेवकूफ, नीला ब्लू BLU क्या होता है, फिश जिसमें होती है, ऐसे याद रखना है ना, ये रहा समंदर और इसमें है फिश, मारना नहीं पकड़ना नहीं, इसको खाना नहीं है, प्यार करना है, प्यार जरूरी नहीं पकड़ के करना है यार, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा हु इज़ द कंसिडर्ड फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो भाई ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं वाइट रेवोल्यूशन पर, उसके फादर कौन है, ये तो मैंने ब्लू पर बना दिया क्वेश्चन, तो क्या है यहाँ पर आगे चलेंगे, ये रहा एस स्वामीनाथन, ये हैं हीरा लाल चौधरी हैं, सैम प्रीत्रोदा ये हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है भाई, जो ब्लू ये के हैं हीरा लाल चौधरी, तो हीरा लाल जी को याद कैसे रखना है कि हीरा लाल जी समंदर में हीरे नहीं पकड़ते, ये रहा डायमंड, ऐसे करके होता है ऐसे 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 करके ना, डायमंड नहीं मछलियाँ पकड़ते रहते हैं हीरा लाल जी, क्या हीरा लाल जी मछली नहीं अच्छी बनी, चलो बना दो चलो छोड़ो, और क्या हो गया ये बहुत है मेरे ख्याल में, एक ये लिख ले लो भी, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड इन पंजाब, पंजाब में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बरनाला जहाँ मैं टीच करता हूँ, नहीं नहीं वहाँ तो यार बहुत है इतने कम नहीं है, मानसा, मानसा की लिटरेसी रेट लो है, तरन तारण जहाँ अभी अध्यापक सबसे ज़्यादा चाहिए और अपॉइंट किए गए हैं, फतेहगढ़ साहिब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है, और चलो ये वाले करना है इसके बाद कोई नहीं करना। कमला सोहोनी किस वैज्ञानिक अनुशासन में एक मील पत्थर का पत्थर हासिल करने वाली पहली, क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहली ये रहा पहली, आ जा यार रंग लग जा, पहली भारतीय महिला है किसमें, वैज्ञानिक क्षेत्र में है ना, कौन सा है, जैव रसायनिक, तो ये याद कैसे रखना है, बायोकेमिस्ट्री नाम क्या था इनका, नीचे चल के देखते हैं इनको रब करके, अब ये करने लगे हैं कि याद कैसे रखना है, कमला सोहोनी ये रहा नहीं बन रहा कुछ, और जैव रसायन ये ठीक है, रसायन जैव रसायन साइंस से सोने सोने रसायन पांदे या सोने सोने, कमला ऐसे कुछ कर लो भी, जोड़ लो कुछ ऐसे है ना, नेक्स्ट बस व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गूगल ड्राइव, गूगल का एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि गूगल का कौन है, किसने पता नहीं क्या था क्वेश्चन नहीं याद, गूगल ड्राइव का सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल सर्विसेज है, अब ये बताओ आप, क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है ना, इसमें से डिलीट करो जो नहीं लगते, अब आपका आप तो करते हो, गूगल ड्राइव का सोशल नेटवर्किंग सिर्फ है, ईमेल सर्विस नैरो है, वीडियो भी नैरो है, इट मीन्स ये थोड़ा दो बातें भी कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज भी है, स्टोरेज है गूगल ड्राइव पे, यस आप अपने सर्टिफिकेट डिजी लॉकर शायद इसी पे है, मुझे पूरा नहीं पता, एंड फाइल शेयरिंग, हाँ दिस इज राइट आंसर, दैट इज ऑल, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ब्रेक के बाद, कोई हो समस्या आपके क्वेश्चन के आंसर थोड़ी देर बाद दूंगा क्योंकि उसके लिए टाइम है कि कॉम्बिनेशन बेस्ट कौन सा है, अब आपने टेस्ट देना है उसके बाद आपको टाइम अभी मिलना है कि कोई अपने कॉलेज जब फिल करना उससे पहले मैं उसके जवाब दे दूंगा।